हे गाइस, मैं हूं अतुल। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हैशटैग टेक अतुल का ये सीरीज स्टार्ट किया हूं। और इस सीरीज में हम लोग जो है किसी भी इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, बातें करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के बारे में कि ट्रबल शूटिंग प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जो है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी इलेक्ट्रिकल गाइस के लिए। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले कुछ आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ मान लीजिए कि कोई एक मोटर है और वो मोटर जो है अचानक चलते चलते स्टॉप हो गया है और उस जगह में क्या प्रॉब्लम आया है इस चीज़ को जो है आपको फाइंड अप करने रहता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आप जो है एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो या फिर आप एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो, यहाँ तक कि आप मास्टर इलेक्ट्रीशियन भी कहला सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। ये एक स्किल है जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियन फिर हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अंदर जो है होना चाहिए। आपके पास जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका क्या एबिलिटी है, यानी कि आपके पास जो है ये एक्सपीरियंस ही काम करेगा इस ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये ट्रबल शूटिंग प्रोसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कौन से पांच ऐसे प्रोसेस है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स को जो है बहुत आसानी से फाइंड अप करके उसे जो है रन करवा सकते हैं। पहला है वेरीफाई दैट ए प्रॉब्लम एक्चुअल ऑकर, यानी कि सबसे पहले जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आखिर ऑकर हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका मोटर जो है ट्रिप किया है और आप जो है SFU को जाकर के चेक कर रहे हैं। पहले जो है वेरीफाई कर लेना है कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आया है। दूसरा ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है आइसोलेट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, जिस जगह में प्रॉब्लम आया है उस चीज़ को जो है आपको पहले आइसोलेट कर लेना है। सपोज किसी एक MCC पैनल्स में, अब ये MCC क्या होता है इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ, आप ऊपर आई बटन में मैं जो है उसको लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये सपोज मान लीजिए एक MCC पैनल्स में जो है किसी एक फीडर्स पे जो है प्रॉब्लम आया है, तो आप तो ये नहीं करेंगे कि अपना MCC का मेन सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, जिस फीडर पे हमारा प्रॉब्लम आया है उसे जो है पहले आइसोलेट करेंगे, यानी कि उस फीडर में जो SFU लगा है या उधर से जो है आप पहले पावर को कट करेंगे और उसके बाद जो है आपको देखना है कि आगे कौन सा प्रॉब्लम जो है ऑकर हुआ है उस जगह में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आइसोलेट कर लेना है हमारे जिस जगह में फॉल्ट आया है। तीसरा ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है करेक्ट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जिस जगह में प्रॉब्लम आया है अगर आप उस चीज़ को आइसोलेट कर लिए तो अब आपको जो है करेक्ट करना है, यानी कि सही करना है उस प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम ऑकर हुआ है। बस मैं ये जो भी बता रहा हूँ ना, एक सिस्टम है जिसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस वो भी बढ़ेगा और आपके काम करने का तरीका भी जो है अच्छा होगा। फोर्थ ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है वेरीफाई दैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन करेक्टेड। थर्ड वाले प्रोसेस आप सबसे पहले जो है सही किए हमारा क्या प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को जो है आपको वेरीफाई करना है कि सब तरफ तो सही है ना, यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपके किसी एक फीडर में जो है कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आया है और आप उस प्रॉब्लम को जो है सही कर लिए हैं, तो आपको जो है पूरा फीडर को जो है हेल्दी कर लेना है, हेल्दी करके जो है सब जगह चेक कर लेना है कि हमारा जो फीडर है वो पूरा हेल्दी सही तरीके से हुआ है कि नहीं, या PLC को जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे जो है आप कॉल लगा करके सारा चीज़ का जो है डिटेल आप पहले ले लीजिए या उस जगह को वेरीफाई कर लेना है। तो ट्रबल शूटिंग का चौथा स्टेप जो है इधर कंप्लीट होता है। अब पांचवा स्टेप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉलो अप टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। जिस जगह में प्रॉब्लम आया हुआ है उस जगह तो अभी हेल्दी है, लेकिन वो जो है फ्यूचर में कभी ना कभी उस पर जो है प्रॉब्लम आ ही सकता है। उस फीडर पे आपको जो है डेली एक प्रिवेंट मेंटेनेंस लेना पड़ेगा, यानी कि जिस जगह में प्रॉब्लम ऑकर हुआ था उस जगह पे आपको जो है डेली चेक करना पड़ेगा कि हमारा फीडर जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस, मैंने आपको जैसे कि बताया आखिर ये जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्टेप्स है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है एक बेहतर इंजीनियर या फिर आप जो है एक इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।